भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान की कमी हो गई है। कर्नाटका चुनाव में भगवान बजरंगबली ने संजीवनी निकाल लिया, तो इसी से इनकी ज्ञान में भी इनके ज्ञान में भी कमी आई है। और यहाँ नए पार्लियामेंट बिल्डिंग, नए संसद भवन का, लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होना है। दोनों में फर्क अगर नहीं समझ रहे भाजपाई तो फिर पता चल जाएगा उनको, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के तमाम नेता आज बिहार विधानमंडल पहुंचेंगे और वहां पे प्रदर्शन करेंगे। आरोप है कि जब बिहार विधान परिषद का शिलापट का लेख किया गया था, उस दौरान महामहिम राज्यपाल से क्यों नहीं करवाया गया। बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। आप लोग भी तो नहीं करवाए थे, अब कहे विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान की कमी हो गई है। कर्नाटका चुनाव में भगवान बजरंगबली ने संजीवनी निकाल लिया, तो इसी से इनकी ज्ञान में भी इनके ज्ञान में भी कमी आई है। भाई, विधानसभा के भवन का एक्सटेंशन हुआ था, विस्तारीकरण था, कोई नया विधानसभा का भवन नहीं बना था। और यहाँ नए पार्लियामेंट बिल्डिंग, नए संसद भवन का, लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होना है। दोनों में फर्क अगर नहीं समझ रहे भाजपाई तो फिर पता चल जाएगा उनको, इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि नए भवन का उद्घाटन और किसी भवन के विस्तारीकरण का उद्घाटन, दोनों में फर्क है। और लोकतंत्र के इस मंदिर में अगर 21-22 देश की विपक्षी पार्टियां बहिष्कार कर रही हैं, तो सरकार का इस तरह से मनमानीपन और हिटलरशाही, तानाशाही नहीं चलता है। लोकतंत्र की खूबसूरती उसमें है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की मांग को माने। अगर विपक्ष सरकार केंद्र की अगर मनमानी कर रही है, संविधान को ताक पर रखकर, लोकतंत्र को रौंदकर, अगर ये अपना बीजेपी का भवन समझकर इसे उद्घाटन समारोह करा रही है, उसमें 21 विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं होंगी, तो ये तो उद्घाटन समारोह फीका होगा। इसलिए हम आज भी अपील करते हैं और मांग करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना 56 इंच का सीना दिखाएं, बड़ा दिल दिखाएं, बड़े दिल से कोई छोटा नहीं होता है। और आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों इसका उद्घाटन कराएं, दोनों सदनों का, राज्यसभा और लोकसभा का वो हेड होते हैं। तो ये जो परंपरा है, इस परंपरा का निर्वहन केंद्र की बीजेपी सरकार नहीं कर रही है, इसके खिलाफ देश की तमाम विपक्षी पार्टियां ने निर्णय लिया है बहिष्कार का। ये बीजेपी का इवेंट नहीं हो सकता है, बहिष्कार का निर्णय ले लिया है, पर बीजेपी के लोग बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं इसी चीज़। अरे, ये प्रदर्शन करते रह जाएंगे, इनके प्रदर्शन का कौन नोटिस लेना है, इनके प्रदर्शन से क्या होना है। इनका जो तर्क है वो तर्क किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। संविधान को रौंदने नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी अहमियत है और विपक्ष को नज़रअंदाज करके कोई भी गैर संवैधानिक कार्य अगर केंद्र की सरकार करती है, मनमानी करती है, इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, सरकारें आती रहेगी, बनती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन ये देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, उससे ऊपर कोई नहीं है। और आदरणीय मोदी जी की जो मनमानी है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि आज भी भारतीय जनता पार्टी को सुबुद्धि दे कि वो ये काम गलत जो कर रहे हैं वो ना करें, इस गलती को, भूल को सुधारें। नहीं तो अभी तो कर्नाटका में हनुमान जी ने संजीवनी छीना है, अब तो पूरे देश से बीजेपी विलुप्त हो जाएगी। और आप वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग को देश में आने नहीं देंगे, नीतीश जी घूमते रह जाए, कुछ होने वाला नहीं। हम लोग तो 21 पार्टियां साथ आ गई हैं, ये नहीं दिख रहा उनको, उनके साथ एक पार्टी आने के लिए तैयार नहीं है। जो पार्टियां थी वो भी छोड़कर चले गए, ये कौन दिवा स्वप्न देख रहे हैं। इनको तो पता चल जाएगा, 2024 की इंतजार कीजिए, इसके बाद इनका अता पता नहीं रहेगा। चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता थे मृत्युंजय तिवारी, साफ शब्दों पे कह रहे हैं 24 का इंतजार कीजिए, अता पता भी नहीं रहेगा। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।